दोस्तों मौज एप्लीकेशन पर आप लोगों ने एक फॉर्म को अप्लाई किया है जिसका नाम है MFC मौज फॉर क्रिएटर्स। मौज फॉर क्रिएटर्स में आप लोगों ने कैटेगरी रॉन्ग सेलेक्ट कर दी है और उस रॉन्ग कैटेगरीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों, और हमारे सभी पेजेस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। आप लोगों को पता है कि मौज एप्लीकेशन पर ये मौज फॉर क्रिएटर्स बहुत सारे लोगों को मिल चुका है और इस पर मैं भी शामिल हूँ, तो मुझे भी मिला है। यहाँ मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोगों ने कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर दी है और उस कैटेगरी को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें आपको पेशेंस रखना होगा, घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौज फॉर क्रिएटर्स सभी लोगों के मौज आइकन पर प्रोफाइल पर डिस्प्ले हो रहा है। अब जिन लोगों ने उसको अप्लाई किया है, मौज ऐप उसको रिव्यू में ले लेता है और रिव्यू करने के बाद वो देखता है कि इसके अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर कुछ यूनिक कंटेंट वाला है ये। अगर ऐसा होता है, यानी कि आपकी वीडियोस में अच्छी क्वालिटी है, आप कुछ अच्छा अलग हटके दे रहे हो, आप रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, आप कॉपी कंटेंट नहीं डालो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप मौज एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, तो मौज ऐप ये जो अंडर रिव्यू आपका होता है वो रिव्यू से ख़त्म कर देता है और आप तक सीधा कॉन्टैक्ट कर लेता है, ठीक वैसे जैसे मुझे करा है। ये वेरीफाइड टिक भी आप लोग देख रहे होंगे, ये मौज ऐप का वेरीफाइड टिक, यानी कि मुझे यहाँ से कॉल मिल जाती है और मैं यहाँ से बात इन लोगों से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जब मौज ऐप आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेता है तभी आपको बता देना होता है कि मेरी एक्चुअल जो कैटेगरी है वो कैटेगरी गलत है, क्योंकि मैंने उसको बाय मिस्टेक गलत भर दिया था, मेरी एक्चुअल कैटेगरी ये है। तो जब आपसे कॉन्टैक्ट करता है मौज एप्लीकेशन तो आपको एक फीडबैक फॉर्म भी देता है, उस फीडबैक फॉर्म में भी आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है और वहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये तब तक आप लोगों का नहीं होगा जब तक आप लोगों के पास कोई भी मौज एप्लीकेशन के मैनेजर्स का कॉल्स नहीं आता है या आपसे वो कॉन्टैक्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक तो आप लोग बिल्कुल शांत रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम होने के बाद कभी भी घबरा कर वीडियोज़ ना छोड़ें, बस वीडियोज़ को अपलोड करते रहें और कंटिन्यू काम करते रहें अपने मौज एप्लीकेशन पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वाकई अच्छी लगी है एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है मुझे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।